क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय है, मैं गाड़ी वाली में रहता हूँ। गंदगी को लेकर क्या कहना चाहेंगे रेवाड़ी में? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वो दावे सरकार के कुछ होते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जाता हूँ मोहल्ले में, वो बड़ी गंदगी दिखाई देती है मुझे भी ना, निकलना मन करता है धूप भर। इसकी सरकार को ठीक, जो ये दावे कर रही है वो उसको दावे को पुख्ता करे और सफाई उन्हें ठीक करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार। गंदगी को लेकर क्या कहेंगे रेवाड़ी में? गंदगी को लेकर ये कहेंगे यार, इतनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ, लोग लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। दीवारों पर लिख रखा है सफाई बहुत जरूरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ इस दौर से खूब गुजरते हैं, उनको भी पता है यार इतनी गंदगी, बाकी वो भी उनको इग्नोर कर देते हैं। साफ सफाई पर कुछ महत्व नहीं रखते वो। शहर जो है सफाई में पिछड़ा है, आपको होर्डिंग भी लगाए थे, काफी कुछ किया गया था, पैसा भी खर्च किया गया, उसके बावजूद भी रैंकिंग में हम पीछे पिछड़े जी। ये जो है सिर्फ जो सर्वेक्षण टीम आई थी उसी दौरान इन्होंने साफ सफाई का काम करा, बाकी कोई भी इन्होंने सर्वेक्षण के अलावा जो सफाई हुई अभी नहीं करा। सारे पूरे शहर में कूड़ा ही कूड़ा है। सफाई कर्मचारी पूरे रेवाड़ी शहर में इस टाइम 333 हैं, जिसमें से आधे ज़्यादा तो डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और जज के यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुल मिला के 200 सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे रेवाड़ी शहर को पूरा नहीं होते। नई भर्ती इनकी लास्ट टाइम 1997 में हुई थी, उसके बाद 21 साल हो गए इनकी भर्ती नहीं हुई। 2026 तक 25 कर्मचारी और रिटायर हो जाएंगे। पूरे शहर में गंदगी, जो डस्टबिन है भरे रहते हैं, कभी उठाने नहीं आते, कोई इनका किसी प्रकार का कोई सफाई में ध्यान नहीं है। करो जी सर, लुट गया है जी। रैंकिंग में हम पीछे आए हैं पिछले वर्ष की तुलना में, क्या कुछ कारण रहे इसके? थोड़ा सा जो हम पीछे का, हो सकता है कुछ शहरों ने हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी करी हो। जो मेन कारण जो हमारा जो पिछड़ने का था जी, वो ये था कि हमारा जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का था जी, और सेग्रीगेशन का था और उसको डिस्पोज ऑफ करने का था, वो हमारा टेंडर नहीं हो पाया किसी कारणवश से। और इस वजह से, क्योंकि उन सारे में हम पीछे हो गए, जिन भी लोगों ने, जिन सिटीज ने भाग लिया है उन सबके पास ये थे और वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास था नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा उस लेवल के ऊपर। तो इस वजह से जो पिछड़ने का कारण था, अगर ये हमारा पूरा हो जाता, हमने भरसक प्रयास किया था कि इससे पहले हम कर लें। अब टेंडर फाइनल कर दिया है, अब टेंडर अलॉट हो गया चंडीगढ़ से, पंचकुला से फाइनल हो गया, उसको हो गया। लेकिन हम चाहते थे कि अगर पिछले साल ही हो जाता तो हम रैंकिंग में लगभग 150 के आसपास हम होते। तो जो मेन कारण हमारा है वो यही है, बाकी सब जितने एस्पेक्ट थे हमारे, फील्ड की सफाई का था, कुछ और था, वो सब हमारा ठीक था। लेकिन जो मेन जो कारण है डोर टू डोर का, सेग्रीगेशन का और उसका डिस्पोज ऑफ करने का, कंपोस्ट प्लांट भी नहीं लगा हमारा, ना हमारा सेग्रीगेशन हो रहा, और जो कर रहे हैं वो भी हम अपने लेवल पे जो लोग करवा रहे हैं उनसे करवा रहे हैं, तो इस कारण से हम पिछड़ गए। और ये सबसे मेन कारण था कि इसके अंदर जितने मार्क्स थे उसमें हमारे जीरो मिले, ये कारण है। करेंगे कि अगली बार हम अच्छे उस पर आएंगे, क्योंकि अब हमारा टेंडर फाइनल हो गया है, हमने काम वर्क भी अलॉट कर दिया उसको, तो अच्छी उसे करके और अच्छे रैंकिंग। और पिछले 3-4 साल से हम बराबर सुधार हो रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ उस पॉइंट की वजह से हमारा ऐसा हुआ।